अपहरित दलित युवती का कंकाल 4 महीने बाद बरामद। 13 अप्रैल की रात रामनवमी मेले से हुआ था अपहरण। इचाक थाना क्षेत्र के बोंगा गांव से अपहरित दलित युवती का कंकाल बुधवार को सदर क्षेत्र के लंगरा सीमर रौतरा जंगल से पुलिस ने बरामद किया। ज्ञात हो कि मृतक युवती रूबी कुमारी पिता सुखदेव भुइया का अपहरण रामनवमी मेला से लौटने के क्रम में 13 अप्रैल की रात उसके घर के पास से किया गया था। मामले में युवती की मां बसंती देवी के आवेदन पर इचाक थाना में गांव के ही लोगों पर बेटी का अपहरण करने का केस दर्ज किया गया था। आवेदन के आलोक में कांड संख्या 88/19 केस दर्ज किया गया था, जिसमें रवि कुमार मेहता, राहुल कुमार मेहता और दोनों के पिता लखन मेहता को नामजद अभियुक्त बनाया गया था, जबकि रवि के जेसीबी चालक शशि कुमार मेहता उर्फ गोरेलाल पिता रामेश्वर मेहता डुमरौन की अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया था। रवि, राहुल और दोनों के पिता लखन महतो तीनों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर फिर जेल भेज चुकी थी। घटना में शामिल जेसीबी चालक डुमरौन निवासी शशि मेहता को इचाक पुलिस गिरफ्तार कर जब पूछताछ किया तो पूरा घटना की जानकारी पुलिस को मिली, जिसके बाद सदर इचाक तिमाना से सटे लोंगड़ा सीमर रोतरा जंगल से जेसीबी से खुदाई किया। तब कर लगभग 10 फीट खुदाई करने पर अंदर युवती का कंकाल मिला। इस मामले को लेकर डीएसपी विवेकानंद ठाकुर अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत में जानकारी दी। मौके पर डीएसपी विवेकानंद ठाकुर, सीओ मनोज महता, थाना प्रभारी नंद किशोर दास, चिकित्सा प्रभारी गिरीश चंद्र वर्मा, एएसआई विजय पांडे, एएसआई गोपाल प्रसाद, पूर्व मुखिया भागवत मेहता उपस्थित थे। खबर 365 न्यूज के लिए हजारीबाग ब्यूरो वशिम की रिपोर्ट। रामनवमी के रोज दिनांक 13/4/19 को बोंगा की एक बच्ची रूबी कुमारी का अपहरण राहुल कुमार मेहता, रवि मेहता, लखन मेहता के द्वारा किया जाता है। बसंती अपहृता रूबी कुमारी की मां बसंती देवी के बयान पर इचाक थाना कांड संख्या 88/19 दर्ज हुआ। इस केस में राहुल कुमार मेहता को पुलिस गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करके पूछताछ किया लेकिन वो ब्रेक नहीं किया, अंततः तो आज उसको जेल फॉरवर्ड किया गया। लखन मेहता, रवि मेहता दोनों माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। इस केस को डिटेक्ट करने के लिए, उद्भेदन करने के लिए मेरे पुलिस अधीक्षक महोदय, पुलिस उप महानिदेशक महोदय के द्वारा काफ़ी दबाव था, वो लोग काफ़ी सीरियसली ले रहे थे। उसी कड़ी में इस केस का तकनीकी अनुसंधान का सहारा लिया गया, CDR उस दिन का निकाला गया तो पता चलता है कि राहुल कुमार और रवि कुमार से एक आदमी लगातार उस रात में एबनॉर्मली कन्वर्सेशन उसका होता है मोबाइल से। जब उसका CDR निकाला गया, उसका कैफ निकाला गया तो पता चलता है कि वो आदमी शशिकांत मेहता डुमरौन का है, जो राहुल कुमार के JCB का ऑपरेटर है। उसको आज हम लोग जब गिरफ्तार पूछताछ के लिए जब पकड़े तो पहले तो नाम मुकुर किया, बाद में जब उसको मोबाइल का कन्वर्सेशन के बारे में जब पूछा गया और 13 तारीख की रात में लगातार जो रवि कुमार मेहता और राहुल कुमार मेहता से जो बातचीत हुई है उसके संबंध में पूछताछ किया गया टेक्निकली, तो ब्रेक कर गया और वो बताया कि दिनांक 13/4 को राहुल कुमार मेहता, रवि कुमार मेहता, लखन मेहता और इसके द्वारा रूबी कुमारी की अपहरण किया गया और हत्या करके एक रोतरा जंगल है डुमरौन से करीब, बोंगा से करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी पर उस जंगल में ले जा करके JCB से करीब 10-12 फीट गड्ढा कोर करके उसमें बच्चे का लाश डाल करके और फिर मिट्टी से लेवल कर दिया गया। आज हम लोग शशिकांत मेहता के निशानदेही पर CO इचाक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इचाक के प्रभारी चिकित्सक वर्मा जी के समक्ष JCB से जब उस जगह को कोड़ा गया तो अपहृता रूबी कुमारी का नरकंगाल बरामद होता है। उसे कपड़ा को देख करके रूबी कुमारी की पेरेंट्स, मदर, फादर, भाई के द्वारा पहचान कर लिया गया। नरकंकाल को हम लोग अभी सदर अस्पताल भेजे हैं, बाद में इसका DNA प्रोफाइलिंग के लिए रिम्स भेजेंगे और DNA पीछे कारण क्या है सर?
हत्या के पीछे कारण है कि राहुल कुमार रूबी कुमारी से प्रेम करता था, इसका शारीरिक शोषण भी किया था, जिस संबंध में 2017 में एक रेप और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत केस दर्ज हुआ था। उस केस में राहुल कुमार जेल भी गया था। उसी केस में केस के बाद से उस पर दबाव था कि तो रूबी कुमारी से शादी कर ले। इसी को लेकर के एक नॉन जुडिशियल पेपर पर रामनवमी से कुछ दिन पहले एलो एग्रीमेंट भी किया कि हम शादी कर, जैसे ही चूंकि रूबी कुमारी नाबालिग थी तो एग्रीमेंट में लिखा कि जैसे ही बालिक होती है तो हम इससे शादी कर लेंगे। लेकिन वो लोग अंदर से शादी करने के लिए तैयार नहीं था, चूंकि रूबी कुमारी अनुसूचित जाति से बिलोंग करती थी और ये मेहता जाति से बिलोंग करता था। तो ये लोग उसको अपने बहू के रूप में एक्सेप्ट करना नहीं चाहता था और इसी के तहत षड्यंत्र के तहत ये घटना का अंजाम दिया गया। ताजा और अपडेट न्यूज के लिए देखते रहिए खबर 365 न्यूज और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।